brought to you by Techno Camon 30 series. बीजेपी को अब क्या काफी नुकसान होगा? बीजेपी ने जो नफरत की दुकान खोली है उसको हम मोहब्बत की दुकान से पार देंगे, और कांग्रेस अब की बार फिर दोबारा एक बार पूरे भारतवर्ष में और साथ साथ राजस्थान में भी सीटें लेके आ रही है। बीजेपी आएगी और राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए बीजेपी है। शुरू से पिछले दो बार से ही बीजेपी का रहा है, इस बार भी बीजेपी है और मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भरतपुर की सीट कांग्रेस चुनाव से पहले ही जीत गई और चुनाव के वोटिंग कल हो जाएगी तब पता चल जाएगा संजना चिया से चुनाव जीतेगी। बात रही अलवर की, अलवर भी कांग्रेस जीतेगी, धौलपुर करौली कांग्रेस जीतेगी, टोंक सवाई माधोपुर कांग्रेस जीतेगी, जयपुर ग्रामीण कांग्रेस जीतेगी, सीकर झुंझुनू कांग्रेस जीतेगी, बाड़मेर जैसलमेर बलोत्रा कांग्रेस जीतेगी। कोई मुद्दे नहीं है इनके पास, सिर्फ ध्रुवीकरण का मुद्दा है। हिंदू मुसलमान करिए, राम मंदिर आ जाइए, आप 370 ले आइए, पर बेरोजगारी पे एक शब्द नहीं कहा गया, रोजगार के लिए कुछ नहीं कहा गया। रोजगार कितने पैदा किए उन्होंने, कितने इंस्टीट्यूशन बनाए, आज तक किसी भी चीज़ पर माननीय प्रधानमंत्री ने एक भी वक्तव्य एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह, देश का युवा जानता है कि अब मोदी का ये मैजिक खत्म होने वाला है। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के कुछ ही घंटे बाकी हैं और उससे पहले एग्जिट पोल चल रहा है कि लोग क्या सोचते हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं। हम खासकर बात करेंगे राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की, जिनको दो बार से बीजेपी स्वीप कर रही थी, लेकिन इस बार हालात क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और बता दूँ, ये सारे अधिवक्ता हैं और अधिवक्ताओं को काफ़ी ज्ञान रहता है। हालांकि क्या लगता है, 25 की 25 बीजेपी या आपके बीजेपी को काफ़ी नुकसान? बीजेपी को अब क्या काफ़ी नुकसान होगा? बीजेपी ने जो नफरत की दुकान खोली है उसको हम मोहब्बत की दुकान से पार देंगे, और कांग्रेस अब की बार फिर दोबारा एक बार पूरे भारतवर्ष में और साथ साथ राजस्थान में भी सीटें लेके आ रही है, और हम अपनी सरकार बनाएंगे, कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी, इंडियन गठबंधन जीतेगा। जो नफरत पूरे देश में फैलाई है मोदी जी ने उसको मोहब्बत से। राजस्थान में कितनी सीट मानते हो कांग्रेस? 10 से 15 के बीच कांग्रेस की सीट आ रही है। बीजेपी का काफ़ी नुकसान है? बीजेपी का काफ़ी नुकसान है, आप कल देखना जो भी एग्जिट। वजह क्या है? एग्जिट पोल जो दिखाए गए हैं वो सब पहले से ही मैनेज किए हुए थे। बीजेपी को नुकसान हो रहा था, इसकी वजह क्या है, आखिर मुद्दे क्या रहे? कांग्रेस ने जो विकास कराया राजस्थान में, अशोक गहलोत जी ने जो विकास कराया, और इन्होंने जो नफरत के बीच वो जो हिंदू मुसलमान, इन पर कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान बाकी कोई मुद्दा नहीं है। हम जो लाए हैं सबका साथ सबका विकास के साथ हम लोग झिक चुके हैं। क्यों पंडित जी, क्या लगता है कौन सरकार बना रहा है? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। राजस्थान की 25 सीटों का आकलन करें तो 2-1 सीटों का नुकसान होगा नहीं, बस सीट की अगर सोचे तो थोड़ा डाउट चल रहा है, पर शायद कोई जीतेगा राम स्वरूप। डाउट चल रहा है लेकिन बीजेपी वाला जीत जाएगा, इस तरह से डाउट तो है? डाउट है थोड़ा बहुत, ये कह रहे हैं डाउट है। बिल्कुल डाउट नहीं है, भरतपुर लोकसभा सीट कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस जीत रही है वो कह रहे हैं। बगल साहब क्या लगता है राजस्थान का? राजस्थान में एक आध दो सीटों को छोड़ करके बाकी की सभी पे पुनः बीजेपी आएगी, और राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए बीजेपी है। शुरू से पिछले दो बार से ही बीजेपी का रहा है, इस बार भी बीजेपी है और मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं रही है आपके? बिल्कुल नहीं रही। देश को एक 370 का जो मुद्दा था वो मोदी जी ने सॉल्व किया। राम मंदिर जो बहुत पुरानी एक आस्था का विषय रहा और भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है कि श्री राम जहाँ इस जन्मभूमि में पैदा हुए। मतलब बीजेपी का फंडा सीधा है 370 और राम मंदिर, इनके आधार पर वोट दो, यही तो है। और इसके अलावा देश प्रेम, देश के कितना सबल किया है टेक्निकली रूप से, पहले हमारी फोर्स के पास में इतना सब कुछ इक्विपमेंट्स नहीं हुआ करते थे। आप एक चीज़ बताओ, ये जो आम आदमी है, आम जनता है, वो बार हर जाति के लोगों से हमारी बात होती है, वो कैसा महंगाई की बात नहीं करते, विकास की बात करेंगे, बेरोजगारी है, रोजगारी बात नहीं करते, ये मुद्दे नहीं लगते जनता में? जितनी इन्फ्लेशन जो इंक्रीज होती है उसी हिसाब से आदमी की इनकम भी तो इंक्रीज हो रही है। हालांकि आपका कहना है कि कुल आपका कहना है राष्ट्रीय मुद्दे उनके आधार पर बीजेपी मजबूत है, कांग्रेस से कुछ होने वाला नहीं, ऐसा है? राजस्थान में मेरी नज़र में 6-7 सीट का नुकसान बीजेपी को इस बार होगा। वो क्यों हो रहा है? इन पे कोई डेवलपमेंट का रोड मैप तो है नहीं, युवाओं के लिए कोई योजना नहीं है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम राम मंदिर 370
ये मुसलमानों के ऊपर हिंदुओं का ध्रुवीकरण करते हैं और एक तरफा वोटिंग ले जाते हैं। भरतपुर की क्या स्थिति है? भरतपुर मेरे हिसाब से संजना जी प्लस कर रही हैं, कांग्रेस जीत रही है, प्लस कर रही हैं, कंफर्म नहीं कह सकता। उधर की टक्कर है आपका कहने का मतलब? हाँ सर, हाँ सर, फोन पे बात थोड़ा सा पीछे कर लो। दो मिनट बाद कर लो। क्या लगता है एग्जिट पोल क्या कहता है? 10 से 15 सीटें कांग्रेस की आएंगी राजस्थान में जी। क्या क्या क्यों लगता है ऐसा? बीजेपी क्यों नहीं ले जा रही ज्यादा? बीजेपी का कहीं भी कोई भी ना तो कोई मुद्दा है उनका, ना ही कहीं कोई जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो वादे करते हैं वो झूठे बोलते हैं। ये तो एग्जिट पोल बता रहे हैं नुकसान है बीजेपी को, लेकिन इतना परिवर्तन बीजेपी राजस्थान में एक साथ क्यों हो गया, उसकी वजह क्या है? नहीं, परिवर्तन तो क्या है, 10 साल हो गए, अब 10 साल में 5 साल हो गए, 25 सीटें पिछली बार आई थी, उससे भी पिछली बार 25 सीटें आई थी, तो इस बार कम से कम है इनको 10-15 सीटों का नुकसान। लोग मतलब पसंद नहीं करे, फेड अप हो गए जी, बिल्कुल। ये लोग जो बाकी अधिवक्ता कह रहे हैं कि 2-3 सीट हार रही है, तो इनसे ये भी पूछना चाहता हूँ उन सीटों की, ये बता दो कि वो कांग्रेस कौन सी 2-3 सीट हारना चाहती है, इनको 25 सीटों पे कितने उम्मीदवारों के बारे में पता है कि कौन कौन से उम्मीदवार कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और कौन कौन कहाँ पे जीत रहा है, कौन कहाँ पे लश है? आप ये बात कर रहे हैं कि भरतपुर सीट बीजेपी जीत रही है, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा भरतपुर की सीट कांग्रेस चुनाव से पहले ही जीत गई, और चुनाव के वोटिंग कल हो जाएगी तब पता चल जाएगा संजना चियां से चुनाव जीतेगी। बात रही अलवर की, अलवर भी कांग्रेस जीतेगी, धौलपुर करौली कांग्रेस जीतेगी, टोंक सवाई माधोपुर कांग्रेस जीतेगी, जयपुर ग्रामीण कांग्रेस जीतेगी, सीकर झुंझुनू कांग्रेस जीतेगी, बाड़मेर जैसलमेर बलोत्रा कांग्रेस जीतेगी, और 12 सीट कांग्रेस जीत रही है और 13 सीट यहाँ पर बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है, ये कांग्रेस को ज़्यादा जिता रहे हैं। जी जैसे कि एग्जिट पोल आ रहे हैं उस हिसाब से हमें नहीं लगता कि एग्जिट पोल के जो आंकलन है वो सही है। राजस्थान में देखा जाए तो जैसे सभी का मत है कम से कम 10 सीट तो कांग्रेस की आनी ही चाहिए। कुल मिला के एक एक कॉमन बात जो ये है कि कांग्रेस को काफ़ी जो बिल्कुल अनकॉन्शियस थी अब वो जीवित हो गई राजस्थान में, लगता है आपको क्या? हाँ बिल्कुल लगता है, इस बार राजस्थान में 10 से 15 की सीट बीच में सीट राजस्थान में कांग्रेस की सीट आ रही है। भरतपुर का भी जीत? हाँ भरतपुर के लिए संजना जाटव चुनाव जीत रही हैं। हाँ जी तरुण साहब क्या लगता है आपने? मेरा जो आकलन है कांग्रेस राजस्थान में अच्छा गेन कर रही है, और बीजेपी का जो कुशासन रहा है, इन्होंने रोजगार को लेके कभी कोई मुद्दा नहीं उठाया, रोजगार से इन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज तक 10 सालों में इन्होंने कोई 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी है, बेरोजगारी अपने चरम पे है, महंगाई अपने चरम पे है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कोई भी आज तक अपना एक वक्तव्य एक स्टेटमेंट एक इंटरव्यू तक नहीं दिया मीडिया में, और कभी किसी के पास खुल के इन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं कहा, बस इनके पास एक ही मुद्दा रहता था कि 370 राम मंदिर। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी मैं सवाल उठाना चाहूँगा कि जब ऐसी स्थिति में चल रहा है, इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है, जब देश का प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में शेयर मार्केट के ऊपर वक्तव्य दे रहा है, मंदिरों में जाके दे रहा है, ये आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, इसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन की एक उदासीनता को मैं सवाल या निशाने पर रखता हूँ। जबकि राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत का अच्छा शासन रहा, उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से लेके छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक का पूर्ण रूप से ध्यान रखा। राजस्थान में परिवर्तन है, बिल्कुल 100% परिवर्तन है राजस्थान में, कांग्रेस की सीटें बहुत अप हो रही हैं, 10 से 12 सीटों का अनुमान मैं भी मानता हूं कि कम से कम कांग्रेस गेन करेगी यहां से। वो वजह क्या है मतलब जो मुद्दे युवाओं ने पिछले 10 साल के कुशासन को देख लिया है, केंद्रीय नेतृत्व को देख लिया है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इनके पास सिर्फ ध्रुवीकरण का मुद्दा है, हिंदू मुसलमान करिए, राम मंदिर आ जाइए, आप 370 ले आइए, पर बेरोजगारी पे एक शब्द नहीं कहा गया, रोजगार के लिए कुछ नहीं कहा गया, रोजगार कितने पैदा किए इन्होंने, कितने इंस्टीट्यूशन बनाए, आज तक किसी भी चीज पर माननीय प्रधानमंत्री ने एक भी वक्तव्य एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह है देश का युवा जानता है कि अब मोदी का ये मैजिक खत्म होने वाला है, मोदी का मैजिक खत्म होने वाला है बता रहे हैं। अरविंद जी क्या आकलन है आपका? अब की बार सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर मोदी जी के नेतृत्व में हमारे राजस्थान से सभी 25 सीटें बीजेपी तक ले जाएगी। हो सकता है 1-2 सीटों पर संघर्ष की स्थिति हो सकती है। कौन सी सीट है वो? जैसे अपनी भरतपुर की माने या बाड़मेर की माने या झुंझुनू की माने,
दो तीन सीटों पर संघर्ष की स्थिति है, लेकिन अंत में बीजेपी 2500 सीटों निकाल कर ले जाएगी। 25 जब 25 के ले जा रही है तो फिर संघर्ष कहाँ हुआ, वो है ही नहीं वो संघर्ष। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि एक अमूमन बात जो कॉमन बात निकल के आई है वो ये है कि जो एग्जिट पोल भी स्वीकार करते हैं आम जनता में भी, जो हम एग्जिट पोल लेते हैं इनके साथ भी जो हमने एग्जिट पोल लिया है कि इस बार कांग्रेस गेन कर रही है और बीजेपी लॉस कर रही है। कितना लॉस करती है बीजेपी, कांग्रेस कितना गेन करती है, वो कुछ घंटे बाद जब रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा।